हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो ये हमारे गांव का शाम का ये वक्त है, तो मैं यहाँ द्वार पर बैठी हूँ और ये देखिए हम लोग के जो गांव की गली है ना, और ये जो सामने खड़े हैं वो हमारे पिताजी खड़े हैं, और ये देखिए मेरी ये बहन का ये लड़का है। तो फ्रेंड्स, ये शाम का हम लोग के यहाँ ना, ये शाम को ये बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सभी अपने अपने द्वार में बैठते हैं, और जो और आज त्योहार भी है, तो वैसे भी कोई कहीं नहीं गया है, तो सभी घरे में हैं और ये बच्चे खेल रहे हैं, ये चिरंटा खेल रहे हैं। देखिए हम लोग क्या चिरंटा बोलते हैं। और ये शाम हो गई फ्रेंड्स, तो अभी तो मैं ही बस आई थी, और अब ये तीनों बहनें आ गई हैं मेरी। हम लोग चार बहन हैं फ्रेंड्स और चार भाई थे, तो एक भाई नहीं है छोटा वाला, तो हम तीनों भाई हैं। ये हमारे तीन भाई हैं और चार बहनें हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मिलो तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है ये देखिए, क्योंकि रक्षाबंधन में ही हो सकता है कि कोई को कैसी भी मजबूरी हो, कैसी भी हो, मतलब कोई सी भी, फिर भी हम लोग ये राखी बांधने के लिए चारों बहन को आना पड़ता है अपने यहाँ मायके में। तो सभी से अपना मेल मिलाप भेंट जो होता है हो जाता है, और जो बातें हैं करनी है वो हो जाती हैं। और ये मेरी बड़ी दीदी है ना, तो इनसे आज ये संजली वाली बहन है, तो बोल रही कि दीदी आप हाथ वाली रोटी बनाइए, क्योंकि बहुत दिन से नहीं खाए थे, और इन्हीं से बनता है और भाभी से बनता मेरी और मेरी माँ से, तो ये हाथ वाली रोटी बना बना के उनको दे रही हैं, तो ये सेकते जा रही हैं। वैसे गैस है फ्रेंड्स हम लोग के यहाँ ना, तो उनका थोड़ा सा रेगुलेटर का प्रॉब्लम है, इसलिए गैस में नहीं बना रही हैं यहीं में। और इतने दिन बाद आए हैं फ्रेंड्स, तो हम चूल्हे का ही खाना खाने में अच्छा लगता है, क्योंकि ये पाचक होता है, अच्छे से पच जाता है। और ये देख उनकी रोटी भी जल गई है, तो और ये भी बहुत दिन बाद बना रही हैं चूल्हे में, तो इनसे भी थोड़ा सा भी नहीं बन रहा। और मेरा तो फ्रेंड्स आज व्रत है, तो मैंने वैसे ही पूजा नहीं की है, सुबह जो थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, जल चढ़ाया है, जो फूल पत्ती जो मेरे को मिला वो सब चढ़ा दिया है, और मेरा व्रत था। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा हमारा हमारी बहन का बेटा है, छोटा है, लकी है, तो इसको ये छोटी बहन बांध रही, मेरी छोटी बहन, क्योंकि उसकी जो बहन है ना, मतलब हमारी भाभी की लड़की, वो चली गई अपने माँ के साथ अब नानी के यहाँ, तो उसके और जैसे ये मुहूर्त का वो था इशू कि शाम को बंधेगा रात को, तो उसी कारण ये नहीं बांध पाया था, तो ये उसके कलाई में हम लोगों ने बांध दिया राखी, क्योंकि सुबह वो बांध करने गई थी। और ये देखिए मेरे भाई हैं दोनों छोटे, और सबसे छोटा वाला नहीं है फ्रेंड्स, तो हम ना छोटे वाले भाई की राखी अपने माँ को बांध देते हैं, उनके हिस्से की राखी, क्योंकि वो बहुत ही मतलब माँ का लाडला था और बहुत ही अच्छा था, पर हो गया, भगवान को जो मंजूर होता है, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। और अभी मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है, 6-7 साल हुए हैं मतलब उनको ख़त्म हुए, तो उन्हीं की याद में हम अपनी माँ को रुमाल राखी दे देते हैं, बांध देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं भी ये राखी बांध दूंगी, और मैं तैयार नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही जो व्रत थी ना, तो और शाम हो गई और मेरे को ध्यान से उतर गया कि केला मंगाना है या फिर कुछ भी मंगा लूँ, कुछ भी मतलब नहीं मंगाया है, सिर्फ नारियल फोड़ा है, हो गया। और ये जबलपुर वाली बहन है, संजली बहन है, और हम लोग फोटो वीडियो बना रहे थे फ्रेंड्स, तो वही मैं सामने आकर बैठ गई थी। और हम लोग देखिए, हम लोग चार बहनें हैं और तीन भाई हैं अभी, मतलब फिलहाल, पहले तो चार थे। और ये सबसे छोटी वाली बहन है, कटनी वाली, ये टीचर हैं अपने यहाँ मतलब कटनी में, बिलहरी में, तो वहीं रहती हैं। ये देखिए और ये देख फ्रेंड्स, इन्हें दोनों भाई ने मिलकर हम लोग को, चारों बहन को मतलब साड़ी गिफ्ट की है बिहार, तो हम लोग को जितना मतलब मिल जाता फ्रेंड्स, हमें उतने में संतोष है, हमें ये नहीं चाहिए कि हम ये नहीं। अब फ्रेंड्स ये देखिए, हमारे ये पिताजी हैं,
तो इनकी बहनें हैं तो वो भी मतलब आने में थोड़ी वो है उनको, मतलब जैसे उनका भी परिवार हो गया है, लड़कियां हैं सब आती हैं, मायके आती हैं तो वो नहीं आ पाती हैं यहाँ। तो हम लोग भी अपने पिताजी के हाथ में कलाई में राखी बांध देते हैं, क्योंकि भाई किसी की रक्षाबंधन के दिन किसी भी भाई की कलाई सुनी नहीं रहनी चाहिए। रक्षा तो सभी करते हैं, चाहे पिता। हमारी भाभी को क्या कर रही हैं, हमारे लिए चाय बना दी है और हम अब चाय पीने जा रहे हैं। ये देखिए इनका घर ये बन गया है वैसे, और अभी छपाई नहीं हुआ है, छत ढल गई है। तो फ्रेंड्स हम लोग के लिए ना दो ही रूम या चार ही रूम बहुत होते हैं। हम लोग ज़्यादा मतलब वैसे नहीं शौक करते कि बहुत बड़ा हो, और फिर बड़ा बनाने के लिए पैसा भी होना चाहिए, इसलिए हमारे भाई ने दो दो चार चार रूम बनाए हैं। ये देखिए चाय हमारी आ रही है, हमारी भाभी ने चाय बना दिया है। और एक रूम ये है, इनका भी सब छपाई फर्श सब नहीं हुआ है, सब होगा। देखिए हमारे घर में लगभग सबको शौक है फूल लगाने का। ये सब्जी भाजी नहीं लगाएंगे, फूल लगाते हैं हम लोग, क्योंकि सब्जी भाजी तो मिल जाती है, फूल कोई नहीं देता। ये देखिए कई प्रकार के फूल खिले हैं। ये हम लोग की यहाँ से पूरी वो जो बॉर्डर बनी है लकड़ी की, बाड़ी है जो रुंधान हमारे यहाँ बोलते हैं, रुंधना, वो सब बना हुआ है। और ये देखिए गेंदा तो बिल्कुल लगता खेती करेंगे, इनको अलग अलग लगा दो तो अच्छे से बढ़े। वो करेला लगा है, वहाँ करेला लगा है, और ये मुनगा का पेड़ है, वो बरबटी का पेड़ लगा हुआ है, वो मतलब झुड़ा हुआ है। और ये मंझले भाई का घर है, रह सब सकते हैं, मंझला संझला बड़े पिताजी सब। तो इनका घर तो मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे ही है सिंपल। ये हमारी बड़ी दीदियाँ भी कंघी नहीं की हैं, कंघी कर लो। हमारी भाभी ने चाय बनाया है, धन्यवाद। सुबह की चाय मिल जाए तो हमारा दिन तो बन ही जाता है, वो भी दूसरे की हाथ की, अपने हाथ की नहीं। अपने हाथ की चाय पीने में कोई मजा नहीं है, जो मजा दूसरे के हाथ के। और ये हमारी ये दीदी है तो बहुत ही शर्माती है, ये दीदी नहीं है भाई, ये हमारी छोटी बहन है। ये देखिए ये, चलिए अभी तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त निकल गया, मतलब शुभ वैसा तो है टाइम, पर बांध देंगे क्योंकि सुबह का काम आप लोग जानते हैं कि भाई लोग अनिल आप लोग जानते ही हैं कि भाई यहाँ सब सुबह से जाते हैं अपने अपने कामों में। तो चलिए अब आएंगे तो राखी बांधेंगे, तब तक के लिए अरे बाद में मिलते हैं। ओके तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी जो छोटी बहन है, अभी उन्होंने सुबह से नहीं नहाया था, तो ये हमारी भाभी हैं, उनको ये नीम की जो दातून है तोड़ के दे रही हैं करने के लिए, तो नहाने गई हैं, तो हम लोग ये राखी बांध रहे हैं। तो ये जो है ये हमारा भतीजा है, और आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये शुभ मुहूर्त के अनुसार ये हमारी जो मामी की भाभी की लड़की है, तो वो बांध कर नहीं गई थी राखी, तो अपने भतीजे को राखी ये बुआ बांध दे रही है, क्योंकि हम ही लोग बस हैं और ये छोटी बहन है तो वो बांध नहीं सकती, जो ये हमारी छोटी बहन की लड़की है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसे अपने भतीजे के भी मतलब राखी बंधवा दी है, क्योंकि उन लोग सब ने राखी रख दी थी, और मेरी लड़की की राखी यहीं थी, और ये छोटी बहन की भी लड़की की राखी यहीं थी, सब बहनों मतलब जैसे जो हैं वो नहीं आई थी, तो सब की राखी वो बांध दी है।
और अब देखिए हम लोग का जो बड़ा भाई है ना, वो भी अब आने वाला नहाकर। और ये देखिए हमारे बड़े भाई आ गए, सबसे बड़े भाई हैं घर के ये, तो उन्हीं के मतलब ये हमारी बड़ी दीदी हैं राखी। और ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि जो कैमरा है ना, मैं ध्यान नहीं दी और आधा आधा आया है, और जो हम लोग राखी बांध रहे हैं उनका कुछ भी वीडियो नहीं आया है। तो ये देखिए भाई को हम लोग राखी बांध रहे हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत ही मतलब जैसे इस साल 2 महीने का सावन था तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा था, और ये देखिए बहुत दिन के बाद राखी के मतलब अवसर पर। और ज़्यादा खुशी और बहनों के मिलने से और भाइयों के मिलने की जो होती है ना, तो वो अब आप भी जानती होंगी। देखिए छोटी बहन बोल रही कि भी भाई बहन की फोटो खींच दो, तो वही मैं खींच रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स एक जगह हमको और जाना है, हमारे भाई हैं बगल में रहते हैं, तो वहाँ भी हम जाएंगे राखी बांधने। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं वहीं, और सुबह के 9-8 बज रहे होंगे। तो ये सभी हमारे भाई हैं। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, फिर मिलेंगे एक अच्छे ब्लॉग के साथ।